हरि ओम श्री राम अम्बज्ञ। मेरा नाम है अशोक सिंह काटकर, वसई वेस्ट उपासना सेंटर से मैं हूँ, बिलंगूर करता हूँ और मैं बापू परिवार में 2000 से जुड़ा हूँ। बापू के अनुभव हमें दिन ब दिन आते रहते हैं और एक में मेरे जीवन में अनुभव जो आया है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट पोस्ट पे हूँ और पिछले 35 साल से अब उसी पोस्ट पे मैं काम कर रहा हूँ और ये अनुभव मुझे 2013 का है। 2013 में अनुभव आया हुआ। हुई बात ऐसी कि हम लोग मैं रोज़ का डेली का एक आदत था कि हम लोग प्रत्यक्ष पेपर जो बापू का आता है वो पढ़ने का। प्रत्यक्ष पेपर में बहुत से चीज़ें आती है कि हम लोग एक एक उनका चित्र आता है। ये चित्र जो है मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये चित्र जो है इसमें डिफरेंस देखने का जो एक सदर है उसमें 10 डिफरेंस ढूंढने का रहता है। तो मेरे को ये कुछ मालूम नहीं कि पहले से ही एक आदत था कि ये हम लोग देखने का। ऐसे देखा जाए तो कोई अभी ऐसा सोचता है दिमाग में ये क्या बच्चे जैसा ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें से मुझे मालूम नहीं था आगे आके मुझे कुछ इसका अनुभव आएगा। हुई बात ऐसी कि एक दिन मैं हमारे जो बॉस थे उनके साथ मेरे एक चेक लिखने में मुझे गलती हो गई थी और वो चेक मैंने कैंसिल कर दिया और उनको बताया कि ये चेक कैंसिल हुआ है, आप इधर साइन कर दीजिए। और उन्होंने भी देखा कि भाई ये चेक कैंसिल कर दिया है और इसमें कैंसिल करके रख दिया। और दूसरे दिन सुबह जब मैं हमेशा की तरह रूटीन में आता हूँ और रूटीन में मैं बैंक का अकाउंटिंग चेक करता हूँ रूटीन में इंटरनेट बैंकिंग से कि भाई हमारे कितने चेक आए हैं, कितने हमने इशू किए, कितने बैंक में गए हैं। ये चेक करते करते मुझे जो अगले दिन मैंने जो चेक कैंसिल किया था वही नंबर का चेक मेरे बैंक में डेबिट हुआ था और सुबह 11 बजे की बात थी। और ये डेबिट होने के बाद मुझे दिमाग में फटक से क्लिक ये हो गया कि ये तो गई लास्ट गए, कल तो मैंने ये कैंसिल कर दिया था, ये अभी बैंक में कैसे आ गया। तो मुझे ताज्जुब हो गया कि भाई ऐसा कैसा हो सकता है। तो मैंने हमारे सर को बताया कि सर अपन गए कल तो हमने ये चेक कैंसिल किया था और ये चेक अब बैंक में आया है, आपने कुछ इशू किया तो बोले नहीं कुछ नहीं, मैंने तो दिया नहीं। मुझे भी ताज्जुब हो गया कि 9,75,000 समथिंग अमाउंट था और उतनी बड़ी अमाउंट का रकम हमने दिया तो हमको तो जानकारी तो होती है कि भाई इतनी अमाउंट का चेक किसी को दिया और नाम भी ऐसा कुछ गलत लिखा था जो नाम हमारा इधर था नहीं। फिर हम लोग बैंक में फ़ोन किया, मैनेजर को बताया कि भाई ये नंबर का चेक हमारे इधर क्लियरिंग के लिए आया है तो ये हम लोग ने इशू नहीं किया। तो वो बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है, आपके इधर का सिलवास से आपने ये चेक इशू किया है, सिलवास से डिपॉजिट सिलवास में हुआ है चेक ये। तो मैं बोला हमारे पार्टी कोई सिलवास में है ही नहीं तो ये कैसा क्या हुआ। तो हम लोग बैंक में गए, बैंक में मैनेजर से मिले हम और उनको बताया कि ये ऐसी ऐसी घटना हुई है कि ये चेक हमने इशू किया था और ये हम लोग ने इशू नहीं किया और वो बैंक में डेबिट हुआ है। तो उन्होंने तुरंत उसी समय में सिलवास ब्रांच में जहाँ क्लियरिंग में चेक आया था तो वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया तो वो फ़ोन वहाँ पर लाइन मिलने तक 2 घंटा निकल गया। उस 2 घंटा के दौरान में वो चेक वहाँ से क्लियर हो गया और फिर पता चला कि सिलवास क्लियरिंग में डाला था चेक लेकिन उनका अकाउंट जो था वो मलाड ब्रांच में था और हमारी जो ब्रांच थी वो कांदिल ईस्ट में थी। तो मलाड ब्रांच में हमने फिर उधर मैनेजर साहब से बात करके मलाड ब्रांच से कांटेक्ट की तो उन्होंने बताया कि ये तो चेक यहाँ से हमारे इधर से जिसका अकाउंट में था वो अकाउंट में से पैसा निकाल के दूसरी बैंक में गया, एक RTGS आधी अमाउंट उन्होंने RTGS की आधी अमाउंट उन्होंने कैश विड्रॉल कर ली। और हम लोग वहाँ मलाड ब्रांच में गए थे, मैनेजर से मिले, मैनेजर साहब को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है तो बोले कि हमारे ब्रांच में हमारे अकाउंट में पैसा जिस भी पार्टी का आता है हमें तो मालूम नहीं ये फ्रॉड का पैसा है कि कैसा पैसा है, वो तो जिसका पार्टी का होता है वो पैसा उनको हम देना पड़ता है। लेकिन हमने उनको सेविंग अकाउंट था इसके लिए हमने उनको रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने हमको लिख के दिया था कि ये पैसा जो है मेरे मेडिकल रीज़न के लिए मैं निकाल रहा हूँ इसके लिए हम लोग को देना पड़ा। तो भी मैंने उनको आधा घंटा रुकाया था और जिस आधा पैसा जो दूसरी बैंक में गया था उसी बैंक में से RTGS करके उन्होंने दूसरी बैंक में वहाँ भी हमने कॉन्टेक्ट किया, वहाँ उसने लिख के दिया था बैंक को कि हमको बिल्डिंग में कुछ ये करना था, बुकिंग करना था,
नया इस फ्लैट वगैरह उसके लिए हमको पैसा चाहिए था, इसके लिए वहाँ से भी उसने विड्रॉ करके लेके गया और दोनों पैसा हमारा हम पोसते पोसते निकल गया, हमारे हाथ से बाजी पूरी निकल गई थी। हमने फिर सोचा कि भाई अभी ये क्या हुआ, तो ये तो मेरे अंडर में था, तो मैं तो एकदम पैरों में से मेरे सब ये हो गया कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और ऐसे कुछ संकट आते तो हमको सिर्फ एक ही याद आता है, बापू, और कोई नहीं। फिर मैंने बापू को याद किया कि बापू तुझे तो मालूम है कि मैंने तो ये कुछ नहीं किया और मुझे कुछ मालूम भी नहीं है ये कैसी घटना और ये कैसा ये मेरे जीवन में आ गया है और इतने साल से मैंने कभी ऐसी कुछ चीज़ किए नहीं है और अभी किसी को बताओ कि मैंने नहीं किया है कि क्या किया है, तुझे ही मालूम है, अभी तू ही इसमें से मुझे बाहर निकाल सकता है। और फिर ऐसी घटना घटी कि उसके दूसरे दिन हम लोग ब्रांच में वापस गए उसी दिन, और ब्रांच में जाने के बाद मैनेजर को मैंने पूछा कि भाई ये जो चेक फ्रॉड हुआ है वो हमको देखने को मिलेगा क्या, तो बोले फिजिकली चेक तो आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन हम कंप्यूटर पे उसके प्रिंट दिखा सकते हैं आपको। तो बोला ठीक है मुझे ऐसा दिखाओ मुझे, तो मैं बोला कि किसका नाम है क्या किसने इशू किया क्या देखना था मुझे। तो मैंने वो चेक प्रिंट पे देखा और देखने के बावजूद जो हमारे प्रत्यक्ष में हम लोग डिफरेंस देखते हैं वही डिफरेंस मुझे वहाँ पे देखने मिला। क्या था डिफरेंस? तो हमारा जो अकाउंट था जिस अकाउंट में से पैसा हमारा माइनस हो गया था वो अकाउंट जो था वो सीसी अकाउंट था, और जो है बैंक उसमें दो चीज़ थी कि सीसी अकाउंट का कलर ब्लू कलर था और रेड कलर जो था वो करंट अकाउंट का था, और हमारे पास करंट अकाउंट और सीसी अकाउंट दोनों थे। तो लेकिन जो चेक जिसने इशू किया था उसने एक गलती ऐसी कर दी थी कि वो मुझे तुरंत याद है कि वो ब्लू कलर की बदले में उसने रेड कलर उसमें छापा था और सीसी अकाउंट नंबर लिखा था उसमें। वो हम मेरे नज़र में वो फटाक से आ गया, क्यों कि मैं प्रत्यक्ष में जो रोज डिफरेंस देखता था तो वो डिफरेंस देखने के बावजूद मुझे वो क्लिक हो गया, बापू ने उसे मुझे पटक से क्लिक करा दिया कि वो उसी समय मुझे मालूम पड़ गया कि ये गलत है। तब मैंने मेरे सर को और उनके मैनेजर है उनको भी बताया कि देखो ये ऐसा ऐसा इधर कलर, तो उनको भी ध्यान में आया कि अरे ये तो गलती है इधर, और फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ये गलती अपने इधर से हुई है, नहीं तो ये सब ब्लेम मेरे पर आता था। लेकिन बापू ने ये सब बाजी पलटी करके उनके ऊपर बैंक के ऊपर ये सब गया, और बैंक वालों ने फिर हमको बोला कि तुम ऐसा ऐसा लेटर लिख के दे दो। हमने लेटर लिख के दिया, 6 महीने उसमें निकल गए। 6 महीने तक उन्होंने हम लोग को आज देते कल देते ऐसे करते करते 6 महीने के बाद हमने फिर रिजर्व बैंक में एक एप्लीकेशन दे दिया था कि भाई ऐसी ऐसी घटना घटी थी और इस समय हमारा ऐसा ऐसा पैसा अभी तक नहीं मिला है। उसके दूसरे दिन तुरंत वो पैसा हमको इंटरेस्ट के साथ मिल गया था। यही है बापू की लीला। देखो बापू कैसा, कौन सा समय में कौन सी घटना घटती है, बापू कैसा अपने को क्या देता है, प्रत्यक्ष पेपर क्यों पढ़ते हैं हम लोग, इसका ये उदाहरण है कि प्रत्यक्ष पेपर में हम लोग देखते हैं कि भाई यार ये ठीक है, इसमें फ़र्क देखने का इसमें कौन सी बड़ी बात है, नहीं। लेकिन हर एक चीज़ जो भी रहती है प्रत्यक्ष में वो हमारे काम के लिए रहती है, एक अनुभव रहता है उनमें, उसमें दूसरी प्रार्थना रहती है कि फ़र्क डिफरेंसेस देखने के रहते हैं, किस काम कोई चीज़ आएगी हमें नहीं मालूम रहता है। हमको इतना ही करना है, बापू ने जो भी हमको दिया है हमें वो उस राह पे चलना है। हरिओम, श्री राम अम्बज्ञ नाथ स्वामी।